हमारे साथ आज स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं ईद के मौके पर टाइम निकाल के कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जाहिर है कि डिजिटल मीडिया पर छाए हुए हैं। अच्छा, द इडियट्स के नाम से जाने जाते मोहम्मद काशान और मोहम्मद फैसल हमारे साथ हैं, दोनों स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप दोनों को ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। तो फैसल, आपसे आगाज करते हैं, जरा हमें बताइए जो नाम है द इडियट्स, ये कैसे और क्यों? बिकॉज Nobody wants to, you know, call themselves the idiots. अच्छा देखें, ये बहुत पुराना सफ़र है और जैसे बताया कि 14 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था और हम लोग तीन होते हैं, एक हमारे दोस्त मिसिंग है हमाद, वो अक्सर मिसिंग ही होते हैं वीडियोज़ में भी। तो जिस वक्त हमने आगाज़ किया था उस वक्त बस एक फ़नी वीडियोज़ का कॉन्सेप्ट था कि कुछ ना कुछ करते हैं, शौक़ है, और उसको हमने कंटिन्यू किया। और उस वक्त आई थी नई एक फिल्म थ्री इडियट्स, हम भी तीन थे जी और वो भी तीन थे और फिल्म का नाम भी थ्री इडियट्स था। तो हमने कहा यही रख लेते हैं, मतलब इतना लॉन्ग टर्म तो सोचा नहीं था, कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बस शौक था, उसको कंटिन्यू कर रहे थे तो हमने नाम रख दिया। और मजे की बात, और ये कितने अरसे पहले की बात है? ये तकरीबन 14 इयर्स, 14 साल पहले की, जब डिजिटल मीडिया यूट्यूब के जरिए या इस तरह से मोनेटाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि शौक पूरा कर सकते थे, पैसे नहीं मिलते थे, ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। और उस वक्त तो आप समझिए स्मार्टफोन भी नहीं होते थे। हमारा सब्सक्राइबर बड़ा कीमती सब्सक्राइबर है, 3G नहीं था, वो जो कंप्यूटर खोल के लॉग इन करके सब्सक्राइब करने वाला सब्सक्राइबर। अरे भैया, अच्छा कुछ क्लिप्स हैं इनके, वो पहले हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया तो हो सके कि कितना जबरदस्त ये काम कर रहे थे। तो क्लिप देखते हैं, फिर उसके बाद जी मजीद गुफ्तगु बढ़ाएंगे आगे। ये बताएं, आप लोग को कब अंदाजा हुआ कि आप लोग इस जगह पैर जमा सकते हैं, यानी कॉमेडी? इट्स वेरी डिफिकल्ट, लोगों को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, देखें हम लोग वीडियोस जब हमने स्टार्ट की तो वो हमने शौक के लिए की थी, ठीक है, हम बनाते रहे, हमारा कोई भी इसमें ऐसा मकसद नहीं था कि हम इसको, पता ही नहीं था पहली बात तो। अच्छा। ये कि ये इससे हम इसको मोनेटाइज भी करवा सकते हैं, इससे अर्न भी कर सकते हैं, तो सिर्फ अपना शौक पूरा कर रहे थे और साथ साथ हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे। अच्छा। तो 2012 में हम लोग पास आउट हुए, फिर अपनी अपनी जॉब्स करने लगे। ओके। तो जॉब्स के साथ भी कंटिन्यू किया, बीच में शादियाँ हुई तो वो भी कंटिन्यू करते रहे, तो बस ये है कि एक चीज़ है कंसिस्टेंसी। लेकिन ये कैसे आपको पता चला कि ये आगे जाके मोनेटाइज भी हो सकता है, भाई इससे इनकम भी जनरेट हो सकती है? तो नहीं पता चला, देखें ये पता नहीं था हमें, हम सिर्फ अपना शौक पूरा कर रहे थे। 2016 में यूट्यूब आया पाकिस्तान, ठीक है, और उसने यहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑन की। मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद जो है फिर हमने अपनी वीडियोस वापस से यूट्यूब पर अपलोड की और फिर उससे इनकम होना शुरू हुई। तो उसको भी हमें सोचने में टाइम लगा, हमें तकरीबन 2 साल हुए जॉब अपनी क्विट किए हुए। किस तरह का ह्यूमर ज़्यादा पसंद करते हैं, सियासी हो या उनकी आम जिंदगी से रिलेटेड हो, किस तरह का? बता दूँ आपको, जो चीज़ आप रिलेट कर सके ना, उस ह्यूमर को जो है ना वो पसंद किया जाता है। मिसाल के तौर पर कि जो है ना रमज़ान में अम्मी सहरी में कैसे उठाती हैं, ठीक है, तो वो उसके ऊपर हमने एक मॉम्स भी लाइक या देसी मॉम्स भी लाइक करके हमने एक कंटेंट बना लिया। अच्छा। जो चीज़ भी रिलेट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा रिलेट जो कर रहे हैं वो आजकल एक ही चीज़ है, स्नैचिंग। हर कैटेगरी के अंदर कंटेंट्स बनाए हैं, बट क्योंकि ऑब्वियसली वो एक स्किट होता है, वो एक स्टेज का नहीं होता। सॉरी मैं इंटरप्ट करूँ, एक कंटेंट आया जहन में, हमने जैसे बनाया था ईद पे कि शीर खोरमा जो है ना बड़ा मेन एलिमेंट है, हर घर में बनाया जाता है। तो एक लड़के को हमने दिखाया कि यार इसने रिजेक्ट कर दिया, यार अम्मी क्या है यार, सुबह जाते हुए भी यही, दोपहर में भी यही, सारा दिन यही मिलता। अब हमने दिखाया कि इसको ना थोड़ा सा हमने बढ़ा चढ़ा के दिखाते ना कंटेंट में, तो हमने उसमें दिखाया कि शीर कोरबा जो है ना वो नाराज हो गया और वो एक इंसान बन के आया और बदला ले रहा है। और बाकायदा मैं इंसान बना हूँ, उसमें बादाम वदाम लगाए मैंने, वाइट किया है, उसके बाद उसके ख्वाबों में आ रहा है, डरा रहा है, पीछे आ रहा है, जा रहा है। अच्छा। तो यानी बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि शीर कोरमा एक मेन एलिमेंट है, अब उस पे क्या कंटेंट बन सकता है? हाँ। वो पीछा नहीं छोड़ सकता सर, हमारी हर वीडियो में मैसेज है कि बजाय इसके कि फक्कड़ बनने को फरोख दिया जाए, फजूल लैंग्वेज को फरोख दिया जाए, जैसे कि आजकल बहुत हो रहा है, क्वालिटी कंटेंट होना, तहजीब के अंदर। हम लोग कोई 18 प्लस कंटेंट नहीं बनाते। अच्छा, जबरदस्त। कुछ भी इस तरह का नहीं होता और हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज है। चले जबरदस्त, और बिल्कुल किसी की उसमें आप कहते हैं ना इंसल्ट नहीं होना, नहीं नहीं बिल्कुल यही होना चाहिए जी, कॉमेडी नाम ही सीखा। थैंक यू सो मच फैसल और काशान हमारे साथ थे, और जिन्हें आप महसूस हुए होंगे और जबरदस्त जी, और जितनी पजीराई आप इन्हें दे रहे हैं जी, तो यकीनन हम भी कोशिश करते हैं, वैसे जो हमारा मॉर्निंग शो होता है या फिर हवाले से आपको मजीद भी हम आगे, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम भी अगर मजाक क्रिएट करें तो किसी का मजाक ना उड़ाएं बल्कि मजाक बनाएं।